में धन्यवाद हरदम करूं। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद हरदम करूं। मैं तो अपने घराने समेत धन्यवाद हरदम करूं। मेरी परवाह की तूने पाल के मेरी रक्षा की। एक कोख सा मेरी परवाह की तूने पाल के मेरी रक्षा की। एक कोख सा मेरी परवाह की तूने पाल के मेरी इब्ने दरे इब्ने दरे अब तक तूने संभाला मुझे।
बातों के लिए। Thank you.
बात हरदम करूं। मेरी जिंदगी भर दी आशीष तू
माई को तूने हटा दिया, तेरे जैसा भला पिता सच में उसने बुराई को हटा दिया, भला पिता है इनको बुराइयों से बचा लिया खुदा ने, कहे तेरे जैसा भला पिता कोई नहीं। बुराई को तूने हटा दिया, तेरे जैसा भला पिता ना कोई। बुराई को तूने हटा दिया, तेरे जैसा भला पिता ना कोई। एबिने दरे, एबिने दरे, अब तक तूने संभाला मुझे।
बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत बहुत ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। जैसे माँ कोख में अपने बच्चे को संभालती 9 महीने कि मेरा बच्चा मर ना जाए अंदर, उसके खाने पीने का सब ख्याल रखती, अपना ख्याल रखती कि मेरे बच्चा सुरक्षित रहे। तो जैसे मां कोख में अपने बच्चों का ख्याल रखती, वैसे तूने ख्याल रखा कोख के समय से लेके जन्म देने तक, वो ख्याल रखती, वो हमारा ख्याल रखता है। आज कहें कि मैं अपने घराने समेत यहोवा का धन्यवाद करूंगा जो उसने मेरे घराने में आज तक किया हुआ है, क्योंकि खुदा हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। और जो किया हुआ उसका धन्यवाद देना भूल ना जाना। बुद्धिमानों में से हम मूर्ख को चुन लिया उसने, बुद्धिमानों में से हम मूर्ख को चुन लिया उसने, वर्णन से बाहर है उसके कार्य, शब्द नहीं उसकी तारीफ करने के लिए। उन्हें हमें आशीषित किया उसने, हमें उत्तम वस्तुओं के साथ आशीषित किया, आज तक संभाला। यहोवा तेरा धन्यवाद। मेरे मन प्रभु को धन्यवाद दे, मेरे मन प्रभु को धन्यवाद दे, उसके उपकारों को याद करें जो आपकी लाइफ में हुए, एक एक उपकार को याद करके उसकी तारीफ करो। उसने आपको संभाला, चंगा किया, पापों से आजाद किया, आपकी जरूरतों को, दैनिक जरूरतों को पूरा किया उसने, प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा किया उसने आपकी, उसको दिल से किसी भी उपकार को कभी मत भूल जाना। वही तो तेरे सब जरूरतों को पूरा करता है, वही तो तेरा चंगा करने वाला ईश्वर है, उसी ने तो तेरे सब गावों से तुझे पट्टी बांधी, उसी ने तो तेरे अधर्म को क्षमा किया, उसी ने तो तेरे हर इंतजामों को किया। वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है, वह दया से भरा हुआ तेरे लिए, उसका धन्यवाद कर। है मेरे मन उसका धन्यवाद कर। सेम प्रेस में बढ़ेंगे, खुदावन से कहें आज वचन के द्वारा मुझसे बात कर, खुदावन आराधना के द्वारा मुझसे बात कर परमेश्वर। आइए पवित्र आत्मा, घुटनों पे आके कहें, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, जो बड़े काम आज तू करने जा रहे पवित्र आत्मा, उसे होने के लिए तू मुझे चुन। जो तू आज लोगों में बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं, आशीष